अस्सलाम दिस इज मी खालिद हुसैन खालिद सब्जी वाला एक बार फिर से कराची सब्जी मंडी डेली अपडेट के साथ हाजिर है। 29 तारीख है भाई, 29 तारीख और पीर का दिन है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और एक बार फिर से मैं सब्जी मंडी कराची से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर करना। चलिए सब्जी मंडी के रेट देखते हैं कि सब्जी आज सब्जी तो भाई पिट चुकी है। सब्जी जैसे जैसे बकरीद नज़दीक आ रही है सब्जी काफ़ी मंडी कराची जो है ना वाहिद सब्जी मंडी है और पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सब्जी मंडी जो है ना कराची में है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं, देखते हैं कि सब्जी आज क्या रेट चल रही है सब्जी मंडी में। तो भिंडी वगैरह तो मेरे सामने आवाज़ लगा रहा है बंदा, 20 रुपये किलो। टमाटर वगैरह हर चीज़ के रेट बताऊँगा मैं आपको, धनिया पुदीना अदरक लहसुन नींबू हर चीज़ के रेट चेक करते हैं। चलते हैं वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये देखें भिंडी के तोड़े हैं पूरे भरे, 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये किलो भिंडी दी जा रही है। भिंडी देखें आप, ये भी भिंडी है ताज़ी कच्ची भिंडी है, ये पूरे बंद के बंद तुलते हैं, मतलब ये खुले नहीं मिलेंगे। चल भाई ये लगा चार पली लगा भाई, घर का पलावा मामा, ये घर का पलावा पूरा बंद के बंद तुलेंगे, ये इसमें खुला नहीं मिलता है, 5-10 किलो नहीं मिलता है, इसलिए सब्जी वाले जो भी होते हैं ना मतलब जो होलसेल पे वहाँ पे भी बेचते हैं माल सस्ता रेट करके बेचते हैं, तो ये पूरा तुलेगा 50-60 किलो। ये सारा ही सब तुलेगा। तो चलते हैं और देखते हैं और सब्जी क्या मिल रही है सब्जी मंडी कराची में आज, सब्जी कौन 84 और कितना बताया था उसका 50 रुपया। ये 84 किलो इसका वजन है भाई। हाँ सेठ करें भाई, भिंडी का रेट देखा, भिंडी 30 रुपये किलो और 25 रुपये किलो बिक रही है भाई। 84 किलो 85 किलो 86 किलो इसका इतना ही वजन होता है, 85 किलो 86 किलो सिर्फ 30 रुपये किलो भिंडी दी जा रही है भाई, 30 रुपये किलो होल सेल। लूटो मेरे भाई, 30 रुपये किलो भिंडी, बकरी का घास नहीं मिलता 30 रुपये किलो में। आपके सामने आवाज लगा, भिंडी 30 रुपये किलो भिंडी 30 रुपये किलो भाई, पैसे हो गए भाई। हरा प्याज जो है ना, हरा प्याज के रेट मैंने चेक किया, हरा प्याज जो 50 रुपये किलो बता रहे हैं भाई, आज का रेट हरा प्याज 50 रुपये किलो। धनिया वगैरह का रेट मैंने पूछ तो लिया है, वैसे फिर बता देता हूँ, धनिया आज भी 10, 12 और 15 रुपये का 10 रुपये का बिक रहा है और पुदीना जो है 5 रुपये का 6 रुपये का। ये जो भाई अंसर की दुकान है, अंसर बोला मजीद मालूम करते हैं। पालक क्या हिसाब दे रहे हो भैया? पालक अच्छी वाली 50 रुपये किलो, दूसरा दाम 40 रुपये किलो, दो भाव 40 रुपये किलो भी है, 50 भी है, और धनिया 10, 12, 15 12 रुपये का TV है, 10 रुपये का TV है। पुदीना 7 रुपये का TV, 8 रुपये का TV, 7 रुपये का TV, 8 रुपये का TV। इनका कहने का मकसद ये है कि जो है ना हल्का रेट हल्का माल होता है उसके हल्के रेट ही होते हैं, जो अच्छा वाला धनिया है ना वो 15 रुपये का, ये वाला देखें आप हल्का वाला 10-12 रुपये की गड्डी बिक रही है, क्वालिटी का फर्क होता है इसमें। जैसे प्याज 50 रुपये किलो भी है, 60 भी है, 50 भी है, अलग अलग रेट होते हैं, मुख्तलिफ रेट होते हैं। पुदीना 5 रुपये का है, 6 रुपये का भी है, और ऐसे रेट होते हैं। मतलब पालक इनके पास दो रखी है, एक 40 रुपये किलो वाली, एक 50 वाली। ये जो 40 रुपये किलो है ये पालक बता रहे हैं 40 रुपये किलो, जो अच्छी वाली पालक है वो इनके पास 50 रुपये किलो है, वो थोड़ी अलग किस्म की पालक है। तो चलते हैं और देखते हैं सब्जी मंडी कराची में और क्या है साहब, क्या रेट सब्जी क्या रेट पर मिली है। चैनल पर नए तो भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, इससे मेरी और हौसला अफजाई बढ़ेगी और वीडियो अच्छी अच्छी मैं अच्छी क्वालिटी में आपको देता रहूँगा इंशाल्लाह। मीठा कद्दू जो काशी फल के मैं रेट बता दूँ, ये 25 रुपये किलो है, भाई के पास रखा है 25 रुपये किलो। वो जो सामने हरा वाला नज़र आ रहा है आपको वो 30 रुपये किलो है, और चुकंदर जो है ना चुकंदर के 30-40 रुपये किलो का रेट चल रहा है आज का, 40 रुपये किलो चुकंदर। ये देखें छोटा छोटा वाला लौकी, देखें लौकी कितनी पड़ी है, लौकी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह काफ़ी तादाद में आ गई है, लौकी 20 रुपये किलो 25 रुपये किलो 20 रुपये किलो हो चुकी है सब्ज़ी मंडी कराची में। रेट अप डाउन होते रहते हैं, रोज़ाना के रेट होते हैं, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, और सुबह के टाइम में रेट कुछ होते हैं, रात के टाइम में रेट कुछ और होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। रात में जो है ना माल अच्छा वाला माल होता है ना, इसलिए माल भी थोड़ा महंगा बिकता है, तो इस वजह से सुबह के रेट कुछ और होते हैं और रात के रेट कुछ और होते हैं। कैरी मैंने पूछी है भाई से, थोड़ी छोटी वाली कैरी है 30 रुपये किलो बता रहे हैं, जो मिर्ची मलिर वाली ये सामने रखी है 50 रुपये किलो दे रहे हैं। तो ये रेट चल रहे हैं सब्जी मंडी कराची के आजकल के, देखते हैं और क्या ऐसा मिल रहा है। ये इन भाई के पास सब्जी है, सब्जी के रेट मैं आपको बता दूँ, पहले भाई से मैंने रेट मालूम कर लिया, टच कर लिया। जो तुरई इनके पास रखी है, तुरई 30 रुपये किलो दे रहे हैं। गवार फली जो है ना, गवार फली 60-70 रुपये किलो दे रहे हैं, 60-70 रुपये किलो गवारी, देखें गवारी के भी अच्छे हैं। और मतलब शिमला मिर्च का मैंने पूछा, शिमला मिर्च क्या हिसाब है यार? शिमला 150 रुपये किलो। शिमला मिर्च जो है थोड़ी महंगी है, शिमला है भी अच्छी वाली, बड़ी वाली शिमला मिर्च 150 रुपये किलो दे रहे हैं। शिमला भी अच्छी वाली,
छोटी वाली शिमला मशीन के पास रखी है, जो है ना ये 100 रुपए किलो बता रहे हैं। लौकी जो है 25-30 रुपए किलो, मैंने आपको पहले बताया लौकी बहुत पिट चुकी है, लौकी और तुरई, तुरई भी 30-35 और 25-30-35 जैसी चीज होगी वैसे ही रेट होंगे। ये आपके सामने इनके पास अभी ये माल एंड है, जो रात में माल होता है ना रात में ये पूरी माशाल्लाह से दुकान भरी हुई होती है, तो अभी सुबह का टाइम है माल भी खत्म हो गया। रेट बता दे यार, लसोड़ा क्या साहब जरा अभी अचार अच्छा वाला 50 का, छोटा नॉर्मल वाला 40, नॉर्मल वाला 40 रुपए किलो, अच्छा वाला 50, जो ये 40 रुपए किलो है भाई लसोड़ा, जो अचार वचार में डरता है, अचार वगैरह इसका बनता है। बैंगन जो इनके पास रखे थैली पड़ी है, बोले तो आलू 10-15 रुपए किलो लगेगा, बैंगन 10-15 रुपए किलो, नींबू जो है ना 100 रुपए किलो, इतने छोटा वाला नींबू दरमियाने साइज का नींबू है, ये जमेरी नहीं है, ये तुलवार है भाई, अभी देखें भर के देंगे, ऐसे ही ऐसे भर के देते हैं, छाटी वाटी नहीं होती यहाँ पे सब्जी मंडी कराची में। तो ये 100 रुपए किलो दिए मेरे सामने भाई ने, 5-6 किलो ले रहे हैं नींबू, ये 100 रुपए किलो, और बड़ा वाला जो नींबू है ना वो 140 और 150 रुपए किलो भी है बड़ा वाला, जो ये छोटा दरमियाना है। अदरक क्या साहब बताया आपने? अदरक अच्छी वाली 450, ये 450 रुपए किलो लगी। और लहसुन देसी आपके पास पड़ा है? चना नहीं है? चना 250 रुपए किलो है, देसी 220, ठीक हो गया। ये देसी लहसुन पड़ा है भाई के पास 220 रुपए किलो करें, ये देख सकते हैं आप देसी लहसुन है, सही है 220 रुपए किलो। और नींबू जो है इनके पास, नींबू थोड़ा बड़ा अच्छे साइज का नींबू है, ये जो 160 रुपए किलो दे रहे हैं भाई, ये अदरक 450 रुपए किलो दे रहे हैं, थोड़ी गुजारे वाली अदरक है, कह रहे हैं सारी तोलाओगे तो 400 रुपए किलो भी लग जाएगी, है गुजारे वाली, अच्छी वाली अदरक 500-550 रुपए किलो है, ये रेट चल रहे हैं भाई सब्जी मंडी कराची। फूल गोभी जो है ना 40 रुपए किलो दे भाई के पास रखी है, गोभी अच्छी वाली गोभी है 40 रुपए किलो, शिमला मिर्ची जो है ये थोड़ी छोटी वाली है ये 100 रुपए किलो, वहाँ 150 रुपए बताई थी बड़ी शिमला थी उनके पास, ये जो है ना थोड़ी हल्की वाली है 100 रुपए किलो दे रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कहाँ से आते हैं ये चाइना वाली गोभी है जो आप बता लगाते हैं? कुल्चे में, इस्लामाबाद में। अच्छा आपने पाकिस्तान से ये आ रही है मसल जी? पाकिस्तान में लगाते हैं? हाँ पाकिस्तान में लगाते हैं। अच्छा बाद लोग कह रहे होते हैं ना कि ये चाइना से आता है माल, यहाँ चाइनीज बहुत हो गए ना, हाँ हम चाइनीज सब्जियाँ खुद लगा रहे हैं, आप खुद अपने पाकिस्तान में माशाल्लाह ये काश्त हो रही है इसकी, बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। वो ब्रोकली वगैरह ये ब्रोकली आ रही है, थोड़ी ब्रोकली कम आ रही है। अच्छा नवंबर दिसंबर में यहाँ सीजन होती है, हाँ हाँ सही है, इस वक्त इस्लामाबाद से आ रही है, इस्लामाबाद 400 रुपये किलो आ रही है, 300-400 रुपये किलो बाहर आ रही है, अब 40 रुपये किलो किराया है, ठीक 40 रुपये किलो पर किराया लगता है उसका ब्रोकली का, जी जी 300-400 रुपए किलो पड़ रही है वो, जी जी ठीक हो गया। ये अभी कैसे दे रहे हैं? ये अभी आपने क्या रेट बताया? 100 रुपए चाइना के बीच, 100 रुपए किलो चाइना के बीच, 100 रुपए किलो ये हमने लगाया इस्लामाबाद, और वो लगाया हमने कोयटा में, वो भी चाइना गोभी, वो कोयटा में लगाया है, ठीक हो गया मेहरबानी जनाब। ये जो है ना ये चाइना गोभी भाई बता रहे हैं 100 रुपए किलो, ये भी अपने पाकिस्तान में काश्त हो रही है माशाल्लाह से। ये क्या चीज़ है सर? ये पार्सली 200 रुपए किलो, ये 200 रुपए किलो भाई इसका रेट है। ये देखे आप, ये भी एक किस्म की सब्जी है, मैंने कभी बेची नहीं है, मैं खुद सब्जी वाला हूँ लेकिन मैंने ये चीजें कभी, ये भी चाइना है, चाइना के बीच है ये भी, ये जो कह रहे थे क्वेटा से आ रही है, क्वेटा में लगाते हैं, इसकी काश्त हो रही है अपने पाकिस्तान में ही काश्त हो रही है, जो लोग बोलते हैं ना कि बाहर से आ रही है तो ईरानी नींबू है। अच्छा और लाल वाली अपने पाकिस्तान, ठीक हो गया भाई जान मेहरबानी जनाब शुक्रिया। सुबह के भाई 9:30 बज रहे हैं और अभी माशाल्लाह सब्जी मंडी थोड़ी थोड़ी खाली हो चुकी है और माल बिक चुका है काफ़ी ज़्यादा, 1-1.5 घंटा हो गया भाई। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है और जो है ना हर चीज़ के रेट हर जगह पे देखने पड़ते हैं कि कोई मतलब, मेरा कहने का ये है आप लोग जितना घूम फिर कर माल लेंगे ना उतना आपको सस्ता भी मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा, सही है। मिर्ची के मैंने रेट टच किए इनसे भाई, मिर्ची अच्छी वाली जो मिर्ची है इनके पास 60 रुपये किलो है, और जो हल्की वाली है 50 रुपये किलो भी है, 40 रुपये किलो, वो सामने मिर्ची आपको नज़र आ रही है, ये वाली मिर्ची जो है ना ये 40 रुपये किलो है, 40 के हिसाब से दे रहे हैं। मीठा कद्दू इनके पास पड़े हैं 30 रुपये किलो दे रहे हैं, ये वाली जो मिर्ची तेज़ वाली मिर्ची होती है भैया, असल वाली मिर्ची हरी वाली, ये 60 रुपये किलो से कम नहीं है मंडी में। कैसा दे रही है अदरक? ये 450 रुपये किलो, 450 हल्का दाना इधर डाल दे, हल्का दाना 450 रुपये किलो, हाँ 450 रुपये किलो दे रहे हैं अदरक। देखें आप सिर्फ अदरक ही बेच रहे हैं भाई, ये नीचे बैठ के इनका कोई किराया भी नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा माल ये सस्ता भी बेच रहे हैं, 450 रुपये किलो। कितने का टमाटर है आपके पास? अच्छा वाला टमाटर है, आज क्या रेट चल रहा है? मर्दान खैबर पख्तूनख्वा ये 28 किलो 29 किलो वजन दे रहे हैं, ये 1200 रुपए के
27-28 किलो वजन है इसमें टमाटर। 27 किलो वाला एक एक दाना चाहिए। हाँ, एक एक दाना चाहिए। टमाटर तो माशाल्लाह काफी अच्छा नजर आ रहा है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। ये खैबर पख्तूनख्वा वाला माल है, एक ही नंबर, एक नंबर माल होगा ये। ठीक है, 1200 रुपए का। 1200 पेटी वाला नहीं आज आपके पास? पेटी वाला ये पड़े, ये वाला जो है 500 रुपए, 500-550 वाला पड़े वो 400। वो जो हल्का वाला पड़ा है वो थोड़ा सिंध वाला माल है। ये सिंध वाला माल है, सिंध से आ रहा है ये माल। ठीक हो गया, मेहरबानी जनाब। ये जो है 1200 रुपए वाली पेटी में आपको दिखा देता हूँ। टोकरा नया टमाटर आया है, नया अपना पाकिस्तानी टमाटर है, और इसमें 27-28 किलो वजन है टमाटर। टमाटर बाबा 27-28 किलो, और टमाटर भी है लश वश टमाटर है, इसमें कोई शक नहीं है। टमाटर भी नया टमाटर है, अच्छा वाला टमाटर है। इसमें टमाटर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है मुझे, माशाल्लाह जो ट्रक में रखा हुआ था उससे भी टमाटर ये अच्छा वाला नज़र आ रहा है। 27 किलो 26-27 किलो इनका कहना है, 27-28 किलो, लेकिन 25 किलो टमाटर निकलता है। जो ये पीछे बता रहे हैं ना, ये 400 रुपए का जैसा माल है वैसा दाम होता है। देखें ना आप, ये 400 रुपए की पेटी है। थोड़े हल्के वाले जो कच्ची आबादी में रहते हैं और लेके जाते हैं थोड़ा हल्का माल, वहाँ पे फिर 50-60 रुपए किलो बेच देते हैं, ये 40 रुपए किलो। हाँ मामा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे दे रहे हैं आलू प्याज वाला का? आलू 60 रुपए किलो, अच्छा वाला। अच्छा वाला आलू 60 रुपए किलो। बोरी में बता, 2000 रुपए मन है बोरी में? 2400 रुपए मन है बोरी में। बंद बोरी भी 2400 रुपए जी? अच्छा। और प्याज जो है, अच्छा प्याज 1600 रुपए मन है। अच्छा वाला प्याज 1600 रुपए मन जी। ठीक हो गया, मेहरबानी जनाब। और जो ये हल्का वाला जो आप चाटी कर रहे हो, ये हल्का वाला है 1200 रुपए, ये 1200 रुपए मन, ये 30 रुपए किलो भाई। जो अच्छा वाला प्याज वीआईपी प्याज है वो 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो 1600 रुपए मन है। और मतलब बोरी लोगे तो और थोड़ा सस्ता हो जाएगा। और आलू थोड़ा महंगा है यार, लाल वाला आलू 60 रुपए, शुगर फ्री 2600 रुपए मन, 2600 रुपए मन बता रहे हैं। शुगर फ्री का मतलब ये होता है थोड़ा ये फीका होता है, इसमें मीठा कम होता है आलू लाल वाले में। ये भी 60-65 रुपए किलो पड़ेगा। दूसरा वाला आलू जो है ना, गोल वाला आलू इन्होंने बताया, जो अच्छा वाला एक नंबर क्वालिटी का है ना, वो 60 रुपए किलो बता रहे हैं, 2400 रुपए मन। ठीक है, मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। थोड़ा सस्ता रेट होता है धनिया, लेकिन वैसे 10 रुपए से कम नहीं है। आज भी 10 रुपए का धनिया दे रहे हैं, और पुदीना जो है 5 रुपए की 6 रुपए की कट्टी दे रहे हैं। पुदीने की जो आप देख सकते हैं धनिया, देखें ये भी ताज़ा फ्रेश धनिया, 10 रुपए की 12 रुपए की गड्डी है, और जो मतलब पुदीना है 5 रुपए और 6 रुपए का पुदीना चल रहा है। ये सब्जी मंडी कराची के आपको मनाजिर में आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं आलू प्याज वालों के पास आ चुका हूँ, आलू प्याज वाले सेक्शन में। ये देख सकते हैं आलू और प्याज, प्याज के मैंने रेट टच किए हैं भाई। प्याज जो है ना 30 रुपए किलो, 30-35 रुपए किलो भी चल रही है प्याज, खुली प्याज की बात कर रहा हूँ मैं। बोरी बंद बोरी में सस्ता मिल सकता है वो आपको। ये देख सकते हैं आप, लेन से बैठे हैं आलू प्याज वाले, ये जो खुला बेचते हैं यहाँ पे 10-5 रुपए ये भी रखते हैं किलो में, 5-4 रुपए यहाँ पे बचाते हैं। अच्छा, 35 रुपए किलो खुला प्याज दे रहे हैं, 30 रुपए किलो भी दे रहे हैं, 30 रुपए किलो जो छोटा दरमियाना साइज का प्याज, अच्छा वाला बड़ा वाला प्याज 35 रुपए किलो दे रहे हैं। गोला आलू जो मैंने अभी पूछा भाई से, मुझे नजर आ रहा है सामने, गोला आलू है देखे 50 रुपए किलो दे रहे हैं। बड़ा वीआईपी आलू है 50-55 रुपए किलो, और बोरी में भी आपको सस्ता मिल जाएगा 200 रुपए मन पे, और थोड़ा सस्ता मिल जाएगा 200-150 दो मन के ऊपर फर्क पड़ जाता है, मतलब बोरी पे 500 रुपए का फर्क और पड़ जाता है। यही टाइम सही है जो सुबह का 8-8:30 बजे का, काफ़ी लोग फिर बार बार पूछ रहे होते हैं सब्जी मंडी कराची जाने का टाइम कौन सा सही है। यही 8:30-9 बजे का टाइम बेस्ट है। रात में आप लोग आएंगे तो थोड़ा सा फारी करना पड़ेगी आपको, तो हम लोगों को तो आदत हो चुकी है, हम लोग रात में भी आ जाते हैं सब्ज़ी परचेज़ वगैरह करने होते हैं। फिलहाल तो मैं सब्ज़ी का काम अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ वीडियो बनाने आता हूँ। तो चलते हैं, सिर्फ टमाटर वगैरह का रेट टच करते हैं और वीडियो को मैं एंड करता हूँ। टमाटर कॉटन ये बड़ा वाला मैं आपको पहले दिखा दूँ, टमाटर बड़ा वीआईपी ज़बरदस्त टमाटर है, ये 1000 रुपये की ये दे रहे हैं, मतलब पूरी छली। इसमें 22-23-25 किलो टमाटर हो सकते हैं, 24-25 किलो टमाटर इसमें होता है, पेटी के साथ होता है 26-27 किलो। इस टोकरी को खाली करोगे तो फिर 25 किलो टमाटर 24 किलो रह जाएगा, तो मतलब। और ये देखें आप, ये भी सारा ये पाकिस्तान का टमाटर है। पेटी वाले मैं आपको बताऊं तो पेटी जो है ना 400 से लेकर 500-600 रुपए की बिक्री है पेटी। जो एग्जैक्ट रेट होते हैं, जो सही मंडी के रेट होते हैं, वही रेट मैं बताता हूँ। मैं अपनी तरफ से रेट नहीं बताता हूँ ना बढ़ाता हूँ, सही है। ये जो अच्छा वाला टमाटर, नया टमाटर इसको कहते हैं, नया शुरू हुआ है ये टमाटर,
550 रुपये की पेटी है, मतलब 14-15 किलो वाली, 14 किलो 15 किलो इसमें टमाटर निकल सकते हैं। पेटी के साथ 16-17 किलो वजन होता है। ये जितनी भी पेटी आपको सामने नजर आ रही है सारी 14-15 किलो टमाटर इनमें से निकलता है। ये 450 से स्टार्ट है और 600 तक जा रही है ये पेटी। तो इसके साथ ही खाली सब्जी वाले को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दिया करें, और इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और मतलब ये है कि हौसला अफजाई बढ़ती रहती है। फिर अमानुल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।